खाटू श्याम की कहानी। कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा व उसे पीपल की सबसे ऊंची शाख पर टांग दिया, जिससे वह भलीभांति युद्ध देख सके। और यह बात सही है कि बर्बरीक ने उस धर्मयुद्ध को भलीभांति देखा। 18 दिन तक महाभारत का महायुद्ध हुआ। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजयी हुए, कौरव पराजित। इस महायुद्ध की भीषण विभीषिका से दोनों पक्षों में केवल 10 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण व सातकी, और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपनी विजय के मद में चूर है। उनका व्यर्थ का अभिमान दूर करने के लिए वह पांचों पांडवों, सातकी, द्रौपदी और कुंती सहित बर्बरीक के पास पहुँचे। बर्बरीक का मुखमंडल चमक रहा था। उसने आदर सत्कार के पश्चात पूछा, खो कैसे आना हुआ? सभी उनके मुख से अपनी अपनी वीरता की प्रशंसा सुनना चाहते थे। अर्जुन उनके मुख से यह सुनना चाहते थे कि मेरे समान धनुर्विद्या का ज्ञाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे। बर्बरीक, क्या तुमने इस महायुद्ध को भली भांति देखा है? बर्बरीक ने स्वीकारात्मक मुद्रा में सिर हिला दिया। अर्जुन गर्व से भरकर बोला, तब तो तुम इस बात को भी मानोगे कि यह युद्ध मैंने अपने बाहुबल से जीता है। 18 दिन निरंतर गांडीव की टकार से दसों दिशाएं गूंजती रहीं। भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। भीमसेन के पौत्र बर्बरीक के मुख पर व्यंग्यभरी मुस्कान खेलने लगी। बोले, हाँ भीष्म पितामह के विषय में मेरा भी यही विचार है। कहे चलो, रुको नहीं। अर्जुन फिर बोला, मैंने भगदत्त जैसे महाबली को मार गिराया, द्रोण को निस्तेज कर दिया था, और कर्ण, जिसके भय से धर्मराज युधिष्ठिर को रात भर नींद नहीं आती थी, उसका वध भी मेरे ही हाथों हुआ। बाद में अश्वत्थामा को मनिर्हित भी मैंने ही किया। क्यों बर्बरीक, अब तो तुम मेरी और मेरे गांडीव की प्रशंसा करोगे? बर्बरीक खुलकर हंसा, उत्तर दूंगा, और भी किसी को कुछ कहना हो तो कह लो। भीम बोल पड़ा, मेरी इस पर्वतसी विशाल गदा के विषय में क्या विचार है बर्बरीक? तुमने देखा होगा कि इसी गदा के सहारे मैंने दुष्ट दुशासन का रक्त पिया। इसी गदा से मैंने अद्वितीय गदाधारी दुर्योधन का वध किया। हिडिंब, बकासुर और कीचक के वध की कहानियाँ भी तुमने सुनी होंगी। अब तुम मेरी वीरता के बारे में कुछ कहो। बर्बरीक हंस दिया, कहूँगा, पहले तुम सब अपनी बात कह लो, फिर मैं सबका जवाब एक साथ दूंगा। नकुल सहदेव ने अपनी अपनी विशाल तलवारों की प्रशंसा की। बाद में युधिष्ठिर ने कहा, मेरा विचार है बर्बरीक कि यह युद्ध मैंने सत्य के बल पर जीता। बर्बरीक ने सबकी ओर अपेक्षा से देखकर श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्यों श्री कृष्ण, क्या तुमको अपने विषय में कुछ नहीं कहना है? श्री कृष्ण, जो अब तक सबकी बातें सुन रहे थे, मुस्कुराकर बोले, मुझे कुछ नहीं कहना बर्बरीक। मैंने योद्धा के रूप में तो इस युद्ध में भाग लिया ही नहीं, मैं तो मात्र सारथी था। रथ चलाता रहा, युद्ध देखता रहा, बस इससे अधिक कुछ नहीं किया मैंने। यह सुनते ही बर्बरीक खुलकर हंसा। उसके अट्टहास से दसों दिखाई गूंज उठी। बाद में वह गंभीर स्वर में बोला, अच्छा किया श्री कृष्ण, तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभवतः पांडवों की पराजय ही होती। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को तो मैं महावीरों की श्रेणी में गिनता ही नहीं। रहे अर्जुन और भीम, ये महाबली अवश्य हैं, किंतु कौरव पक्ष के धनुर्धरों के सम्मुख ये दोनों भी अनाड़ी और नौसिखिए लग रहे थे। अकेले भीष्म नहीं, समस्त पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, भला इनके मारे वे क्या मरते? इस वृद्धावस्था में भी कितना तेज था उनमें मुख पर। बर्बरीक ने फिर अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूँ अर्जुन, जिस गांडीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वह उस वक्त कहाँ गया था? अब भीष्म ने तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, रथ तोड़ दिया था, कपिध्वज धरती पर पड़ा था, तुम मूर्छित हो गए थे, और श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी थी। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर भीष्म से यह पूछने गए थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, तब तुम लोगों को लाज नहीं आई थी? शिखंडी के पीछे से भी निहत्थे भीष्म पर मैंने तुम्हारे शस्त्रों को चलते देखा था, वह तुम्हारी वीरता की चरम सीमा थी। जयद्रथ वध के दिन भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका हूँ। श्री कृष्ण की माया यदि साथ न देती तो एक क्या सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई नहीं पा सकते थे। तेजस्वी वृद्ध आचार्य द्रोण ने तुम्हारी और तुम्हारी सेना की जो दुर्दशा की थी वह भी किसी से छिपी नहीं है। तब तुम्हारा बलतेज कहाँ गया था? युधिष्ठिर कितने सत्यवादी हैं, मैंने यह भी इसी युद्ध में देखा। श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर उन्होंने झूठ बोला, जीवित अश्वत्थामा को मृत बताया,
क्योंकि पुत्र शोक ही उनकी मृत्यु का कारण हो सकता था। यह सुनते ही युधिष्ठिर बोल उठे, भूलते हो बर्बरीक, मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया है, किंतु न नहीं हाथी। बर्बरीक उत्तेजित हो उठे, क्रोध से बोले, नर नहीं हाथी, धीमे स्वर में कहा था, मन में कहा होगा। द्रोण केवल यह सुन सके कि अश्वत्थामा मर गया है। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। क्यों, यह सब पहले से ही निश्चित था ना? बर्बरीक आगे बोला, सुनो अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्यास्त्र कहाँ गए थे? उन बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया तो था, पर असफल रहे, क्यों? सच्चाई यही है ना? श्री कृष्ण ने उस वक्त घोड़ों को बैठा कर अपनी और तुम्हारी रक्षा की, फिर भी तुम्हारा मुकुट कट गया था। और सुनो, निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुमको लाज न आई होगी। अर्जुन हतप्रभ हो रहा था, फिर भी बोला, मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण की मुझे आज्ञा मिली थी कि यही समय है जब कर्ण को मार सकते हो। यदि कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकालकर रथ पर बैठ गया तो एक क्या अनेक अर्जुन भी उसे मार नहीं पाएंगे। बर्बरीक की वाणी में व्यंग्य उभर आया, ठीक ही किया श्री कृष्ण ने, तुम्हें युद्ध जो जिताना था मुझे याचक बनकर बेकार कर दिया। बलि भगदत्त की प्रचंड शक्ति को श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर सहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के वह शत खंड कर देती। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो, यह तो सच ही है कि तुम अतुल बल के स्वामी हो। तुमने निश्चित ही हिडिंब, बकासुर और कीचक को मारा, पर यह युद्ध तो गदा से नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि इस युद्ध में इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सम्मिलित हुए थे। धनुर्धर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा को क्या हो गया था जो तुम जान बचाने के लिए हुए हाथियों के झुंड के पीछे जा छिपे थे? कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहता तो तुम्हारा वध कर सकता था, किंतु उसने तुम्हें छोड़ दिया। और तुम्हें ही क्या, उसने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी छोड़ दिया था। आज तो तुम सब अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हो, लेकिन यह भूल गए कि तुम उस महारथी से प्राणदान लेकर लौटे थे। वास्तव में ही वह सच्चा दानी था। तभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराई। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु बर्बरीक बोलता ही रहा, उसने अवसर मिलने पर भी तुम्हें क्यों नहीं मारा, यह वास्तव में अद्भुत रहस्य है। वैसे इस बात से उसकी करुणा तुम पर प्रकट होती है। जयद्रथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? उसने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया था। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के बीच हुए गदायुद्ध में तुम अपनी महानता प्रकट कर सकते थे, किंतु वहाँ पर भी तुमने नीचता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ही के इशारे पर गदायुद्ध के नियमों का उल्लंघन करके तुमने दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। बलराम तो तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का दंड देने उठे थे, पर श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया था, क्योंकि यह सब उन्हीं के इशारे पर हुआ था। धन्य था दुर्योधन, वीरता की लाज रखनी उसे आती थी। युधिष्ठिर के यह कहने पर भी हम पांचों में किसी को भी द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लो, उसने अपने से बलि को चुना। यदि शेष चारों में से वह किसी एक को चुन लेता तो क्या होता? गदा युद्ध व मल्लयुद्ध में ये सब उनके सामने खिलौने जैसे थे। वैसे युद्ध में तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदायुद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता और बहुत फुर्तीला था। फिर बर्बरीक सांस भरकर बोला, श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती थी? मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही है, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आते थे। श्री कृष्ण नीति की जय हो, यह कहकर बर्बरीक मौन हो गया। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने महाबली को खुश होकर यह वरदान दिया कि महाबली, बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हें सच्चे मन से झाएंगे वह मनवांछित फल पाएंगे। और आज यह सच जग विख्यात है कि उस काल के बर्बरीक आज के बाबा श्याम हैं। आज सारा संसार उन्हें शीश के दानी के रूप में जानता है, और जो भी सच्चे मन से इनकी शरण में खाटू श्याम जी जाता है उसके समस्त कारज प्रभु श्री श्याम पूर्ण करते हैं और उसके जीवन को सुख संपदा व खुशियों से भर देते हैं। शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय। समाप्त।